डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन जो पढ़ने चाह रहे हैं वो विषय है, टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन के बाह्य लक्षण। पेट्रोमाइजोन कोडेटा में वर्टिब्रेटा ग्रुप का एनिमल है, जिसका अपन केवल और केवल है उसकी बाह्य संरचना जो है, उसके जो एक्सटर्नल फीचर है उन्हीं का अध्ययन करेंगे यहां पर। और अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें इस एनिमल का, तो ये फाइलम कोर्डेटा में आता है, और इसका जो ग्रुप है वो वर्टिब्रेटा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे वर्टिब्रेट कैरेक्टर पाए जाते हैं, और नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। और इसका जो सब फाइलम है वो एग्नाथा है, जालिस जो जंतु है वो एग्नाथा में रखेंगे। तो यहां पर जबड़ों का अभाव होता है, जबड़े यहां पे नहीं पाए जाते, इसलिए इसका ग्रुप क्या है, एग्नाथा। और इसकी क्लास जो है वो है साइक्लोस्ट्रोमेटा। साइक्लोस्ट्रोमेटा इसलिए कहते हैं कि जो इसका मुख होता है उसके नीचे एक बक्कल फनल होता है, यानी जो इसका सेप्टोरियल माउथ है वो एक कार्टिलेज की वलय के द्वारा घिरा होता है, राउंडेड होता है, इसलिए इसको साइक्लोस्ट्रोमेटा कहते हैं। और ये साइक्लोस्ट्रोमेटा में इस क्लास के अंदर पेट्रोमाइजोन के अलावा मिग्जिन आता है। पेट्रोमाइजोन का कॉमन नाम लैम्प्री है, इसको लैम्प्री भी बोलते हैं। ये जंतु मेराइन है और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, यानी कुछ जातियां हैं वो समुद्री पानी में पाई जाती है और कुछ जातियां वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जैसे पेट्रोमाइजोन मेरिनस। पेट्रोमाइजोन मेरिनस ये समुद्रीय पानी में पाई जाती है। और लेम्प्रेटा, लेम्प्रेटा फ्लू वी एटिलस, एटिलिश फ्लू वी एटिलिश, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो पेट्रोमाइजोन की कुछ जातियां हैं वो समुद्रीय पानी में पाई जाती है, और कुछ है वो स्वच्छ जल में पाई जाती है। ये जंतु एक्चुअल में परपक्षी होता है, या यूं कह सकते हैं कार्निवोरस होता है, क्योंकि ये है वो जो मछली होती है, फिशेज होती है उनके ऊपर, और जो टोर्टोइज होते हैं उनके ऊपर परपक्षी के रूप में रहता है। इसके जो बकल फनल है, इसका जो माउथ है उसके ऊपर टीथ पाए जाते हैं, और उनकी सहायता से ये उनके ऊपर सिराई जो होती है उनकी सहायता से ये चिपका रहता है, और उनका जो मांस होता है उनको रेंदता रहता है और उसको खाता रहता है। तो ये एक तरीके से प्रीडेटर है ये। इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कॉस्मोपोलिटन है, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चिली, तस्मानिया, यहाँ के जितने भी जो समुद्र है उनके अंदर ये पाया जाता है। तो इसका हैबिट और हैबिटाट अगर अपन देखें तो ये जंतु एक्चुअल में क्या है, समुद्रीय पानी में मिलता है ये, और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, पर पक्षी के रूप में पाया जाता है। और जब इसको अंडे देने होते हैं तब ये जंतु क्या करता है, समुद्रीय पानी से नदियों के अंदर जाता है, रिवर्स के अंदर जाता है, और वहां जाकर के ये अंडे देता है, पानी में नीचे पैंदे में जाकर के अंडे देते हैं। और जिस समय ये अंडे देते हैं उससे पहले ये अपनी जो वेंटर सरफेस पे है वो काफी सारी फैट को इकट्ठा कर लेते हैं, और वही फैट है वो इनके पोषण के रूप में काम आती है। लेम्प्रेटा जो है वो जो अंडे देती है वो भी नदी के अंदर देती है, लेकिन वो नदी के अंदर पैंदे में जाकर के बिल बना करके फिर अंडे देती है, और उन बिलों के अंदर एक तरीके से वो अपने डिजाइन का कंकर पत्थर मिलाकर के कुछ एक घोंसला बनाती है और उसके अंदर अंडे देती है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो 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 फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, और जो एक लार्वा बनता है यहाँ पे, इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर एक लार्वा पाया जाता है, एमोसीट लार्वा बोलते हैं इसको, और वो एमोसीट लार्वा है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एक स्थान पर फिक्स रहता है, सेडेंट्री होता है वो, और माइक्रोफेगस है, फिल्टर फीडिंग के द्वारा वो छोटे छोटे जो डेस्मिड्स है, प्रोटोजोन्स है, उनको ये खाता रहता है। तो यूं कह सकते हैं कि पेट्रोमाइजोन है वो दो रूप में मिलता है, एक अडल्ट रूप जो है जो मछली लायक है, ईल के समान संरचना होती है, उसकी संरचना है वो ईल के समान होती है, अपन ने यहां पर डायग्राम बना रखा है। तो ये एक अडल्ट रूप है इसका जो ईल के समान है, ये मेराइन में भी हो सकता है और फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है।
और फ्री लिविंग होता है, परभक्षी का काम करता है एक तरीके से और अपना भोजन प्राप्त करता रहता है परभक्षियों से। लेकिन जो दूसरा रूप है वो क्या है, एमोसिट लार्वा है। वो एमोसिट लार्वा बिल्कुल डिफरेंट है, वो निश्चित रूप से फ्रेश वाटर में मिलेगा। इनके पेरेंट्स उस एमोसिट लार्वा का जो भी पेरेंट है, वो पेरेंट्स है वो चाहे वो समुद्रीय पानी में रहो और चाहे वो फ्रेश वाटर के अंदर हो, लेकिन इनका जो एमोसिट लार्वा है वो फ्रेश वाटर में मिलेगा और सेडेंट्री होगा, वो एक स्थान पर स्थानबद्ध रहता है और वो माइक्रोफेगस होता है, छोटे छोटे जीवों को खाता है। तो दो रूप में हो गए, एडल्ट और एक एमोसिट लार्वा के रूप में। इसकी अगर अपन संरचना देखें, क्योंकि यहां पर अपन केवल एक्सटर्नल फीचर ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक ही चीज ये भी है कि इसके अंदर कि ये अंडे देने के बाद में इसकी जो मादा है, फीमेल है, वो करीब करीब है वो खत्म हो जाती है। एक्सटर्नल फीचर में अपन देखें तो वो अपन ने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे शेप एंड साइज। तो शेप, ये इसकी शेप जो है वो इलोंगेटेड शेप दिखाई दे रही है अपने को, और सिलेंड्रिकल है, लेटरली कंप्रेस्ड साइड से वो कंप्रेस्ड होता है। तो ये शेप है उसकी। साइज को अपन अगर देखें तो अलग अलग साइज है। पेट्रोमाइजोन को जो अपन पढ़ रहे हैं, पेट्रोमाइजोन मेरिनस जो समुद्रीय पानी में मिलती है वो 1 मीटर लंबी होती है। इसी तरीके से पेट्रो लैम्प्रेटा जो अपन ने बताई थी पहले, लैम्प्रेटा फ्रेश वाटर में मिलती है, लैम्प्रेटा फ्लुविएटिलिश, वो 90 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो इनकी लंबाई है वो बहुत ज्यादा होती है। तो प्रयोगशालाओं में अध्ययन करने के लिए भी पेट्रोमाइजोन है और मिक्सिन पेट्रोमाइजोन को काफी काम में लिया जाता है। इसी तरीके से मिक्सिन को भी काम में लेते हैं क्योंकि वो भी लंबाई में काफी होती है। कलर इनका देखें तो जो डोर्सल सरफेस है वो ग्रीनिश ब्लू होती है, और जो वेंट्रल साइड और लेटरल साइड में देखें तो ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है। फिर आता है फिन्स। अब यहां पर देखिए, पेड फिन अब्सेंट है, जंतु में पेड फिन्स बिल्कुल भी अब्सेंट है। तो यहां पर दो डोर्सल फिन पाए जाते हैं, एक फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकेंड डोर्सल फिन, दो फिन पाए जाते हैं। और पेड़ नहीं है वो, एक एक सिंगल फिन पाए जाते हैं। और पेड़ डोर्सल फिन के अलावा यहां पर कोडल फिन और पाया जाता है। तो कोडल फिन के अंदर दो लोब होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, जो कि सेकेंड डोर्सल फिन के कंटिन्यूएशन में होता है। यहां पे इन फिन रेंज जो फिन है, जो टेल वाला फिन है, कोडल फिन है, उसके अंदर फिन रेंज बॉक्सेज भी पाई जाती है, यानी इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे फिन रेंज भी पाई जाती है। इसकी स्किन को अगर देखें अपन तो वो बिल्कुल भी ग्लैंडुलर होती है। स्किन क्या है, ग्लैंडुलर है, ग्रंथिल है, स्मूथ है, चिकनी होती है, एकदम से स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और म्यूकोइड होती है, म्यूकोइड श्लेष्मा स्रावित करती रहती है। तो इस प्रकार की इसकी स्किन होती है। बॉडी की डिवीजन देखो तो इसमें ये आगे वाला हेड होता है, ये वाला भाग इसका ट्रंक है, और ये वाला टेल, यानी इसकी जो शरीर है वो तीन भागों में विभाजित होता है, सिर, धड़ और पूंछ, हेड, ट्रंक और टेल, तीन भागों में विभाजित होता है। अब इन तीनों भागों के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनका अपन जिक्र करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे ये इसका हेड दिखा रखा अपन ने, ये आई दिखा रखी है, ये यहां पर खूब सारे अपर्चर है जो लेटरल लाइन ऑर्गन है। इनके अंदर एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है, संवेदी सिस्टम होता है, एक लेटरल लाइन से उसके अपर्चर है। ये आई दिखा रखी है यहां पे, ये नोस्ट्रिल दिखा रखा है, यहां पर ये सात जोड़ी गिल छिद्र दिखा रखे है, ये डोर्सल फिन है, ये डोर्सल फिन का फर्स्ट और ये सेकेंड, ये कोडल फिन। यहां पर अपन ने ये एनस दिखा रखा है और ये यूरिनोजेनाइटल पेपिली दिखा रखी है। तो ये इसकी संरचना है। अब इस संरचनाओं में सबसे पहले लेते हैं अपन बक्कल फनल। अपने सबसे पहले बताया था इसका जो माउथ है वो कहां पर है, हेड के नीचे वेंट्रल सरफेस के ऊपर इसका माउथ होता है। लेकिन वो माउथ है बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है ये इसकी, इसका जो माउथ है वो
बक्कल फनल से घिरा हुआ होता है। यहां पर अपने साइक्लोस्टोमेटा इसकी क्लास बताई थी, क्योंकि इसके माउथ के ऊपर क्या पाई जाती है, एक वलय सी पाई जाती है, राउंडेड वलय, इसीलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। तो वो वलय किसकी होती है, ये सर्टोरियल माउथ जो है इसका उसकी होती है, उसको बक्कल फनल बोलते हैं। इस बक्कल फनल के अंदर क्या है कि इसके सबसे बाहरी तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ये अपने मेम्ब्रेन दिखा रखी है, इसका नाम क्या है, मार्जिनल मार्जिनल मेम्ब्रेन, मार्जिनल मेम्ब्रेन है ये सबसे बाहर। और इस मेम्ब्रेन के बाहर देखिए क्या है, ओरल फिम्ब्री है, ओरल फिम्ब्री, मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जाती है, ओरल फिम्ब्री, ये ओरल फिम्ब्री है। और इस ओरल फिम्ब्री के ऊपर देखिए ये संवेदी और सीलिया, एक तरीके से संवेदी सीलिया होते हैं, इनको सेंसरी सिराई बोलते हैं, सेंसरी सिराई। और ये ही सेंसरी सिराई क्या करते हैं, जो इसका पोषक पदार्थ, पोषक एनिमल होता है, जिसके ऊपर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जिसके ऊपर ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, उनको उस पे, उस जंतु पे चिपकने में ये सेंसरी सिराई जो यहाँ पर ओरल फिम्ब्री से निकली हुई है वो हेल्प करती है। तो सबसे भारी बार आपको क्या दिखाई दे रही है, सेंसरी सिराई, फिर ये क्या है, ओरल फिम्ब्री, और उसके नीचे क्या है, मेम्ब्रेन। तो ये बाहर की वो संरचना है इस बक्कल फनल की, जो जंतु को, इस एनिमल को किसी दूसरे एनिमल पर, यानी फिशेज पर और टोर्टोइस के ऊपर चिपकने में हेल्प करती है। इसके बीचों बीच देखिए आप, यहां पर इसमें माउथ पाया जाता है, ये माउथ है, और माउथ के नीचे प्लेट्स है, देखिए ये यहां पर अपन ने दिखा रखे हैं, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, ये इस माउथ के ऊपर एक प्लेट है, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, माउथ के नीचे ये देखिए इंफ्रा ओरल प्लेट पाई जाती है, इंफ्रा ऑर्बिटल प्लेट, ये क्या कहलाती है, इंफ्रा ऑर्बिटल प्लेट है ये वाली, और ये वाली क्या कहलाती है, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, ये दो टूथ प्लेट, और बीच में क्या है, माउथ है, और ये वाला पोर्शन है इसकी टंग है, जीभ है, इस जीभ के ऊपर यहां पर हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। ये अपन ने क्या दिखा रखा है, माउथ, माउथ के ऊपर एक प्लेट है जिसका नाम है सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, और एक नीचे प्लेट है जिसका नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल प्लेट। तो ये दो प्लेट दिखा रखे माउथ के ऊपर नीचे, इस प्लेट के और माउथ के बीच में देखिए ये यहां पर इसका टंग दिखा रखा है, जीभ। तो इसके जीभ के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, हॉर्नी टीथ। और इसके अलावा इसके बॉडी के अंदर, इस सॉरी फनल के अंदर खूब सारी रोज पाई जाती है टीथ की खूब सारी रोज पाई जाती है। तो ये टीथ एक्चुअल में क्या, हॉर्नी टीथ है, और यही टीथ क्या करते हैं, जिस मछली के ऊपर या जिस टॉर्टोइज के ऊपर ये परजीवी के रूप में रहते हैं, इन्हीं दांतों की सहायता से जो जीभ है, जीभ के ऊपर जो टीथ है, उन्हीं के द्वारा वो उस जंतु का मांस रेधने का काम करता है, खुरचने का काम करती है। तो यहां पर जीभ के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर है ये, इसमें क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं जीभ के ऊपर। तो ये जो बक्कल फनल वाला पोर्शन है, इस पर भी टीथ है, ये बक्कल फनल है, ये बीच में क्या, बक्कल फनल, और इस बक्कल फनल में भी टीथ है कि खूब सारी रो पाई जाती है। तो ये बक्कल फनल क्या करता है, सकिंग पंप का काम करता है, ठीक है, रुधिर को चूसने का काम करता है, और मांस को खींचने का, रेदने का काम, खुरेचने का काम कौन करता है, जीभ के ऊपर पाए जाने वाले हॉर्नी टीथ। तो ये जो संरचना है इसमें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो जंतु है पेट्रोमाइजोन, ये बहुत प्रिमिटिव भी है, और इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसका स्पेशल अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत आदिम लक्षण भी है, और इसके अलावा इसमें स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी है। जैसे ये बक्कल फनल है, ऐसी संरचना किसी अन्य ग्रुप में नहीं मिलती है। तो ये इसका अपन ने बक्कल फनल बताया, जो इसके माउथ के चारों तरफ पाया जाता है। उसके बाद में देखिए आईज, यहां पर दो आई होती है, और वो हेड के दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ आई पाई जाती है, दो आंख होती है, और काफी विकसित आई होती है, और इसके ऊपर स्किन होती है, यानी जो पारदर्शी है वो स्किन पाई जाती है इसके ऊपर। आई के बाद में देखते हैं अपर्चर। अब इसकी बॉडी के अंदर खूब सारे छिद्र पाए जाते हैं, कौन सा, पहला माउथ, माउथ अपन ने कहा बताया हेड के नीचे वेंट्रल साइड के ऊपर इसका माउथ पाया जाता है, जो कि बक्कल फनल के द्वारा घिरा रहता है,
ये चूसक का काम करता है, इसलिए इसको सक्टोरियल माउथ बोलते हैं, क्योंकि इस माउथ के चारों तरफ जो संरचनाएं पाई जाती है, जीभ है, होर्नी टीथ है, ये सारे का सारा माउथ में भोजन प्रवेश करवाने में हेल्प करती है, इसलिए ये अपने आप में क्या हो गया, माउथ क्या हो गया, एक तरीके से सक्टोरियल माउथ हो गया। नोस्ट्रिल, सेकंड आता है नोस्ट्रिल। अब नोस्ट्रिल कहां पर है, हेड के ऊपर, ये देखिए यहां पर ये इसका नोस्ट्रिल है, जो कि अंदर जाकर के नेजल चैम्बर में खुलता है, और नेजल चैम्बर या बाद में नेजोफेरिंजियल वेसाइकल के अंदर खुलता है, तो ये इसका नोस्ट्रिल होता है। नोस्ट्रिल के बाद में दिखा रहे अपने गिल अपर्चर, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसके बॉडी में हेड के पीछे जो ट्रंक वाला पोर्शन, यहां से क्या हो गया, ट्रंक वाला पोर्शन शुरू हो गया, तो इस ट्रंक वाले पोर्शन पे क्या पाए जाते हैं, 7 जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं जो बॉडी के दोनों तरफ होते हैं। उसके बाद में देखिए क्लोएका, यहां पे देखिए क्लोएका जो फर्स्ट डोर्सल फिन है और जो सेकंड डोर्सल फिन है उनके वेंट्रल साइड पे, यहां पे एक छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, इस पे जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोएका, एक कॉमन छिद्र होता है जिसका नाम है क्लोएका, इसको अपन यूज शो कर सकते हैं यहां पे, ये क्लोएका, तो यहां पे क्लोएका पाया जाता है। अब इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एलिमेंट्री कैनाल का एंड क्या कहलाता है, एनस, और वो एनस भी यहां पर खुलता है किसमें, क्लोएका में। यहां पर एक अपन ने रेड कलर का ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है यूरिनोजेनाइटल पेपिली, यूरिनोजेनाइटल पेपिली, तो ये यूरिनोजेनाइटल पेपिली एक्चुअल में क्या है, यूरो और जेनाइटल का अपर्चर एक तरीके से, जो इस पेपिले में खुलता है, और ये पेपिली आखिर किस में खुलती है, क्लोएका में। तो जो बाहर छिद्र खुलता है वो तो एक ही है क्लोएका, उसी क्लोएका के अंदर एनस भी आकर के खुलता है, और उसी क्लोएका के अंदर यूरिनोजेनाइटल अपर्चर भी आकर के उसी के अंदर खुलता है। इसके अलावा इसमें पाई जाती है सेंसरी पोर, सेंसरी पोर। अब ये देखिए, यहां देखिए आई के पास में देखिए हेड के ऊपर, ये यहां पर अपने खूब सारे छिद्र दिखा रखे हैं, ये सारे छिद्र क्या है, ये इसमें लेटरल लाइन ऑर्गन पाए जाते हैं अंदर, जो इसके बॉडी को संवेदनाओं के प्रति मतलब सुग्राही होते हैं, सेंसिटिव सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं ये, तो इस लेटरल लाइन ऑर्गन के छिद्र बाहर खुलते हैं, तो ये खूब सारे छिद्र यहां पर दिखा रखे हैं जो इसके बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सटर्नल फीचर्स है पेट्रोमाइजोन के। क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट है, लेकिन वर्टिब्रेट होने के बावजूद भी इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी इसमें मिलते हैं, तो इसीलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो ये साइक्लोस्टोमेटा क्लास का सदस्य है, जिसके अंदर पेट्रोमाइजोन भी आता है और हैगफिश या मिगजिन ये भी उसी के अंदर आते हैं। तो इस एनिमल को ये समुद्र में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग में मिलती है, लेकिन और ये परभक्षी का काम करती है, यानी पैरासाइट का काम करती है, पैरासाइट के रूप में पाई जाती है, और ये मछली के ऊपर या टोर्टोइज के ऊपर मिलेगी, और जब इनको अंडे देने होते हैं तब ये क्या करती है, फ्रेश वाटर में जाती है और वहां पेंदे में जाकर के ये अंडे देती है। कुछ जातियां घोंसले बना करके देती है और कुछ सीधा पानी के अंदर पेंदे के अंदर अंडे देती है, बिल बना करके, और ये अंडे देने के बाद में करीब करीब फीमेल है वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। अब फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वा अवस्था पाई जाती है। और यहां पर जो लार्वा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एमोसीडस लार्वा, जो कि सेडेंट्री है, स्थानबद्ध होता है वो, और माइक्रोफेगस है, मतलब छोटे छोटे जीवों को खाता रहता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये दो, मतलब इसका जो लार्वा है वो फ्रेश वाटर में मिलेगा, तो बिल्कुल हैबिटेट डिफरेंट है, और इसका जो अडल्ट है उसका इन लाइक संरचना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये कह सकते हैं कि ये दो फेज में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये पेट्रोमाइजोन की केवल बाह्य संरचना पढ़ी है अपन ने, और इसके बाद में जो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो है एमोसिट लार्वा। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।